नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त फटाफट खबरों का, दिखाते हैं आपको 150 गांव 150 खबर। 12 के अटरू में कोरोना जागरूकता को लेकर प्रशासन ने किया पैदल मार्च, तो वहीं आमजन को मास्क भी बांटे गए। 12 के उमेदपुरा गांव में भूमाफियाओं ने वन भूमि पर नरेगा की मस्टोल बंद कर दी है, जिससे मजदूर परेशान है। वन विभाग भी भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। 12 के सोरखंड कला गांव में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 150 लोगों के नामांकन किए गए। 12 के सीसवाली में कड़ाके की सर्दी से फसलों को नुकसान हो रहा है, जिसके कारण किसान परेशान। 12 के सायगढ़ में एक राहगीर को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, हादसे में राहगीर की हुई मौत। चित्तौड़गढ़ के बेगू में कच्ची सड़क होने के कारण ग्रामीण परेशान, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। चित्तौड़गढ़ के बेगू में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। राजकीय महाविद्यालय बेगू में एनएसएस के विशेष शिविर के समापन विभिन्न कार्यक्रम के साथ हुआ। नगर पालिका क्षेत्र बेगू में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उपखंड मजिस्ट्रेट ने वार्ड नंबर 15 में धारा 144 लागू कर दिए। नगर पालिका क्षेत्र बेगू के वार्ड नंबर 15 में कोरोना संक्रमित महिला को चिकित्सा विभाग ने होम क्वारंटाइन किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया जी में श्री सांवलिया सेठ के भंडार से निकले 7,92,547 रुपये। जोधपुर के बिराड़ा पुलिस ने कस्बे में धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन ने कस्बे में निकाला फ्लैग मार्च। जोधपुर के बिराड़ में चिकित्सा शिविर का आयोजन, शिविर में 325 मरीजों की जांच की गई। जोधपुर के तेवरी में दो युवकों ने एक महिला के साथ मारपीट कर दी, पीड़िता की रिपोर्ट पर मथानिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जोधपुर के तेवरी में ब्लॉक स्तरीय पीईओ की बैठक का आयोजन, बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराने के निर्देश दिए। जोधपुर के शेरगढ़ में एक विवाहिता अपने दो बच्चों को छोड़कर भागी, प्रेमी के साथ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर के बिराड़ा पुलिस ने एनडीपीएस से मामले में एक व्यक्ति को डागियावास गांव से गिरफ्तार किया। जोधपुर के फलौदी में भाजपा जिला महामंत्री मोतीलाल पुरोहित के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्कल पर पंजाब की कांग्रेस का सरकार के कुकृत्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर के ओसिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। जोधपुर के फलौदी में एक बाइक सवार गला चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कटा, राहगीरों की मदद से बाइक सवार को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जोधपुर के फलौदी में प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निकाला फ्लैग मार्च। जाटीपुरा के पास रेलवे संपार संख्या 38 पर इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नलिंग प्रणाली को चालू कर दिया है और अब वाहन चालकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डूंगरपुर जिले के पिंडावल गांव में बाड़े में बंधी 71 भेड़ों का पैंथर ने किया शिकार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। डूंगरपुर जिले की हथाई पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत फॉलो अप शिविर का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले की पनाली गांव में प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस ने कोरोना के प्रति आमजन को किया जागरूक। डूंगरपुर जिले के चितरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों की बैठक आयोजित। डूंगरपुर जिले के बोकलापाल में 12 स्कूलों के एसडीएमसी और एसएमसी सदस्यों का क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण आयोजित। नागौर जिले में विद्युत कॉन्ट्रैक्टर समिति के पदाधिकारियों ने सौभाग्य योजना के तहत दिए जा रहे ठेके में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ऊर्जा मंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। नागौर जिले में देशवाल में मावट की बारिश से फसलें बर्बाद, किसानों की बड़ी चिंता। नागौर जिले के डेगाना में बार एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न, एडवोकेट जियाराम रायल अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचित। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में रोटरी क्लब ने ठंड को देखते हुए सब जेल में कैदियों के लिए 30 कंबल दिए। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। नारायणपुर क्षेत्र में वन विभाग ने प्लांटेशन का काम शुरू किया, जिसके तहत वन विभाग और राजस्व विभाग ने किया सर्वे। अलवर जिले के तिजारा में नए थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने शेखपुर थाना का संभारा पदभार। अलवर जिले के थाना गाजी में साइकिल बांटी गई, विधायक पुत्र लोकेश ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। निमराणा रिको द्वारा बनाए गए नाले से हो सकता है बड़ा हादसा, साइड दीवार नहीं होने से हो रहे हादसे। अलवर जिले के खैरथल में निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर का शुभारंभ, पंच दिनेश शर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। 30 दिसंबर को रामगढ़ कस्बे में गाय के अवशेषों की जांच में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, कब्जे से टोपीधारी बंदूक भी बरामद। अलवर जिले के रामगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च।
किशनगढ़वास महिला महाविद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तीसरे दिन स्वयं सेविकाओं ने किया श्रमदान। अलवर जिले के खैरथल में गुरुवार को राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 की 36 छात्राओं को साइकिल बांटी गई। अलवर के बहरोड में पुलिस ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पैदल मार्च निकाला। अलवर के खैरथल में नगर पालिका की जमीन से अतिक्रमण हटाने के पहुंचे प्रशासन, लौटे बेरंग। अलवर जिले के शाहजहांपुर में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर से ठंड बढ़ी, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बांसूर पुलिस प्रशासन ने डीएसपी मृत्युंजय शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। बजबायला उप तहसील के सामने बरसाती पानी के जमा होने के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर जिले के राजगढ़ में एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के दौरान मेहंदी रंगोली और आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। धौलपुर शहर की शिरडी साई दर्शन भक्त संस्था की ओर से पुराना शहर महात्मानंद की बगीची पर साई महोत्सव का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के आगामी आदेश तक जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने की छुट्टियां। धौलपुर जिले के सदर में नाली के पानी की निकासी को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में झड़प।